अरे यार, मैं तो काम ही खत्म नहीं होता। काश थोड़ा और टाइम होता मेरे पास। कैसे लोग इतना सारा काम कर लेते हैं, मैं तो कर ही नहीं पाता हूं। क्या आपने भी कभी ये सवाल पूछे हैं? क्या आप भी कभी इस बारे में सोचते रहते हैं कि काश मैं थोड़ा अपना टाइम मैनेज कर पाता? अगर इनका आंसर हाँ है तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स और टेक्निक्स जो यूज करके आप अपना टाइम वापस पा सकते हैं, आप अपना टाइम बेटर मैनेज कर सकते हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड। मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो अक्सर लोग एक सवाल मुझसे जरूर पूछते हैं कि हरितोष, आप पॉडकास्ट भी करते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो भी डालते हो, आप अपना वेबिनार भी कर रहे हो, आप बाकी सोशल मीडिया भी मैनेज करते हो, आपकी फुल टाइम जॉब भी है, आपकी अपनी कम्युनिटी भी है, आप ये सब मैनेज कैसे करते हो? तो मेरा पहला आंसर तो यही होता है कि इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। एंड अगर आप ये टिप्स यूज़ करने वाले हैं तो इसका मतलब ये मत परसीव करिएगा कि आपको काम नहीं करना होगा या काम अवॉइड करना होगा। दैट इज़ नॉट वॉट इट इज़। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, यू हैव टू वर्क हार्ड, बट ऑल्सो एज दे से कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, यू हैव टू बी स्मार्ट। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो स्मार्ट होने के 5 तरीके बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम थोड़ा बेटर मैनेज जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं, आप 24 घंटे में 1 घंटा या 1 सेकेंड या 1 दिन नहीं बढ़ा सकते हैं, बट वॉट यू कैन मैनेज इज योर फोकस एंड अटेंशन। एंड ये जो 5 टेक्निक है, इनको यूज़ करके आप अपना फोकस, अपना अटेंशन ऐसा कर सकते हैं कि आपको उसी 24 घंटे में और टाइम मिल जाए। तो लेट्स डिस्कस। तो जो पहली टेक्निक है और वो है एज ओल्ड, बहुत सारे लोगों को हेट भी है, बट दैट इज कॉल्ड द हैविंग अ टू डू लिस्ट। जब आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, एंड मेरे पास ऑलमोस्ट हर दिन मैं अपना टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे डेली क्या काम करना है, या अगर वीक का स्टार्ट हो रहा है तो मुझे वीकली क्या क्या अचीव करना है या मंथली क्या करना है। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, जब आप उसको विजुअली देख पाते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप पेन एंड पेपर पे लिख रहे हैं जैसे मैं करता हूँ, या आप डिजिटल टू डू लिस्ट बना रहे हैं, या कोई भी तरीका, डजंट मैटर। बट व्हेन यू हैव योर टास्क एंड गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू, इट हेल्प्स यू टू प्लान। और एक और क्विक टिप देना चाहूँगा कि आप उसमें एक ऐसा लिस्ट भी बनाए जिसको आप कह लो बकेट लिस्ट। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी बकेट लिस्ट, हाईली रिकमेंडेड। उसमें आप ऐसे 10, 15, 20 चीज़ें लिखो जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो। नॉट टूडे, नॉट दिस वीक, नॉट दिस मंथ, नॉट इवन दिस ईयर, मे नॉट बी इस डिकेड में भी नहीं, बट आप अपनी ज़िंदगी में कभी ये करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बुक लिखना चाहते हो, आप कभी माउंटेन एवरेस्ट पर जाना चाहते हो, आप कभी सारे कॉन्टिनेंट्स घूमना चाहते हो, वो चीज़ें भी आप लिखो। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। नंबर 2 इज शेड्यूल योर कैलेंडर। नाउ आई नो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, एंड टू टेल यू द ट्रूथ, एक टाइम पे मैं जब सुनता था कि लोग अपना US, UK एंड ऑल में लोग अपना डॉगी को घुमाने के लिए भी, यू नो, डॉगी को वो कराने के लिए भी अपना कैलेंडर ब्लॉक करते थे, मैं बहुत हंसता था, एंड आई स्टिल फाइंड इट हिलेरियस। बट व्हाट आई रियलाइज कि ओवर द टाइम जब आपके कैलेंडर में कोई चीज़ होती है तो बहुत, इट्स अ वेरी गुड चांस कि आप उसको बिना जाने स्किप नहीं कर सकते। एंड व्हाट आई मीन इज कि अगर आपके कैलेंडर में है, आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, देन यू कैन चूज टू कि अच्छा आज ये नहीं करना, ये नहीं हो पाएगा। बट आप ये नहीं बोल सकते एंड ऑफ द डे कि मुझे पता ही नहीं था मुझे ये करना है, मुझे इसका आइडिया ही नहीं था। वो आपके एक्सक्यूज कई बार हमारे जो होते हैं वो चले जाते हैं। और हाईली रिकमेंड, मेरे कैलेंडर बहुत सारी चीज़ों से भरा रहता है, चाहे वो पर्सनल, प्रोफेशनल, यहाँ ट्रैवल करना है, ऐसे करना, वो करना है। जब भी मुझे कोई भी चीज़ मैं किसी से डिस्कस करता हूँ कि मुझे, अच्छा ये आपका ये इंटरव्यू करना है, ओके वेडनेसडे 11 AM, तो नेक्स्ट थिंग आई डू इज कि मैं अपना कैलेंडर 11 से 12 का बुक कर लिया मैंने। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप, चाहे वो ऑफिस का वर्क हो, पर्सनल वर्क हो, या कोई भी वर्क हो, अगर आप एक कैलेंडर मेंटेन कर सकते हैं, फिजिकल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट डिजिटल इज प्रेफर्ड, दैट वे यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ क्या क्या होने वाला है। नंबर थ्री इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड बैचिंग। नाउ कई बार लोग बहुत सारे पूछते हैं मुझसे कि आपने इंस्टाग्राम पे इतने सारे रील डाल दिए, यूट्यूब पे डाल रहे हो, आप तो पूरा आपका दिन तो वैसे ही जाता होगा। सो यहाँ पे मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ जिसको कहते हैं बैचिंग। तो बैचिंग क्या होता है, बेसिकली हमारा दिमाग जो होता है ना, वो एक समय पे एक चीज़ पे फोकस कर रहा होता है, और अगर आप बार बार उसको अलग अलग चीज़ों पे चेंज कर रहे हो, कि अभी आप ईमेल लिख रहे हो, तुरंत आपने वीडियो शूट कर दिया, तुरंत कोई मीटिंग भी कर लिया, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, देयर इज अ गुड चांस कि आपकी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। बट अब अगर आप एक टाइप की चीज़ें एक साथ कर रहे हो, जैसे मुझे वीडियो शूट हफ्ते में 1 बार या 2 बार, इंस्टाग्राम की रील्स को मैं एक साथ ही 5, 7, 8, 10 शूट करके भेज देता हूँ,
दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ लिवरेज एज दे से राइट. तो आप देखो कि आप जो काम कर रहे हो क्या उसमें बैचिंग कर सकते हो, क्या एक तरह की चीजें हैं जो आप एक साथ करोगे, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और आपका आउटपुट भी अच्छा आएगा, एंड दैट वे यू विल ऑल्सो फील कि आपके पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा एनर्जी है. फोर्थ वन, एंड दिस इज गॉट टू डू, इसके दो पार्ट हैं, एंड दिस इज मोर टू डू विद द फोकस. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, एक चीज करना स्टार्ट किया, फिर दूसरे पे चले गए, फिर तीसरे चले गए, फिर किसी में ईमेल आ गया, किसी का कॉल आ गया. तो ये जो टेक्निक है जिसके दो पार्ट हैं, दैट हेल्प्स यू गेन द फोकस. तो पहला चीज है जो कि बहुत ही सिंपल है, यूज फोकस म्यूजिक. आप YouTube पर सर्च कर सकते हो, या बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पे यू सर्च फॉर फोकस म्यूजिक और कॉन्सेंट्रेशन म्यूजिक. नाउ दीज म्यूजिक्स आर विदाउट लिरिक्स, इसमें कोई भी वर्ड्स, कोई भी लिरिक्स नहीं होते हैं, बट दैट अलाउज यू टू गेट इन टू दैट अल्फा स्टेट जिसको कहते हैं, जिससे कि आपका कंप्लीट फोकस अटेंशन आ जाता है. अगर वो बैकग्राउंड में आप चला दो, अदर क्या होता है, आप काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सॉरी अबाउट दैट, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बट अगर आपने फोकस म्यूजिक लगा दिया, जिससे ये म्यूजिक क्या होता है, आपकी डिस्ट्रैक्शंस को रिपेल करता है, वापस कर देता है, तो आपका फोकस अपने टास्क पे रहता है. एंड जो सेकेंड पार्ट है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि यू वर्क फॉर 25 मिनट्स फोकस्ड, एंड देन यू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट, एंड इस तरह के आपको चार साइकिल करने होते हैं. तो आपने 25 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक किया. ऐसे जब चार साइकिल हो जाते हैं, देन यू टेक अ लॉन्गर ब्रेक. तो इससे क्या होता है, उस 25 मिनट में आपको एक चीज उठानी है ना, फोकस, कोई एक भी टास्क उठा लीजिए जिसमें आपको 20-25 मिनट लगेंगे, एंड उस 25 मिनट में आप सिर्फ उस पर फोकस करिए. फॉरगेट अबाउट एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. एंड देन जो वो 5 मिनट का ब्रेक होता है, डोंट यूज इट फॉर चेकिंग सोशल मीडिया, यूज इट फॉर रिवैम्पिंग योरसेल्फ, नो रिजुविनेटिंग जिसको कहते हैं. तो चौथी टेक्निक है जिसके दो पार्ट है, वन इज यूज फोकस म्यूजिक जिसमें कोई लिरिक्स ना हो, एंड देन यूज ऑल्सो द पोमोडोरो टेक्निक दैट हेल्प्स यू गेट द फोकस. एंड पांचवा एंड फाइनल टिप्स, आस्किंग द क्वेश्चन कि आर यू रियली रिक्वायर्ड टू डू दैट टास्क. एंड इसके तीन आंसर हो सकते हैं, चार आंसर हो सकते हैं. पहला आंसर होता है यस आई एम ओनली सपोज टू डू, देन यूज द अदर फोर टेक्निक्स. बट एक और आंसर होता है शायद नहीं जरूरत है, आई कैन अवॉइड, देन द आंसर इज अवॉइड दैट टास्क. अदर कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी और को दे सकता हूँ, आई कैन डेलीगेट दिस. आप अपने टीम मेंबर किसी को दे सकते हैं, या आप किसी फ्रीलांसर को दे सकते हैं, या आप इसको, फॉर एग्जाम्पल, आई नो लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग, आई हैव डन एडिटिंग, बट नाउ आई डोंट फील कि मेरे टाइम का बेस्ट यूज है कि मैं एक एक रील्स को एडिट करूँ, एक एक वीडियो को एडिट करूँ. सो आई क्रिएट द बंच ऑफ वीडियोज एंड आई सेंड इट टू माई टीम. आंचल अमेजिंग जॉब करता है, एंड आई सेंड इट टू हिम फॉर एडिटिंग, एंड ही गिव्स मी, जब भी एडिट हो जाता है, माई फोकस इज कि मैं कॉन्टेंट कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे मैं अपने ऑडियंस को बेस्ट सर्व कर रहा हूँ, एंड दैट हेल्प्स मी गेट द फोकस एंड टाइम. तो जो पांच टेक्निक्स आज हमने डिस्कस की, पहली है या क्रिएटिंग अ टू डू लिस्ट एंड ऑल्सो अ बकेट लिस्ट, नंबर टू इज अपना कैलेंडर शेड्यूल करिए, नंबर थ्री बैचिंग करिए, नंबर फोर फोकस करिए, यूज म्यूजिक विदाउट लिरिक्स एंड ऑल्सो यूज पोमोडोरो टेक्निक, एंड पांचवी और फाइनल टिप्स इज यूज द प्रिंसिपल, डू यू रियली नीड टू डू दिस वर्क, और कैन यू अवॉइड, डेलीगेट, आउटसोर्स और ऑटोमेट दिस. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो. प्लीज कॉमेंट करके लिखिएगा कि कौन सा टेक्निक आप ऑलरेडी यूज करते थे और कौन सा आपके लिए एक नया टेक्निक था. आई वुड लव टू हियर दैट. एंड एज आई से एवरी टाइम अंटिल नेक्स्ट टाइम, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Aritosh. I'm gonna see you in the next video. Until then, take care, stay safe, and stay blessed.